आज कुरुक्षेत्र में भारतीय पत्रकार कल्याण मंच द्वारा मनाया गया दिवाली मिलन समारोह, जिसमें कि पूरे हरियाणा के पत्रकारों ने हिस्सा लिया। इस समारोह की अध्यक्षता श्री पवन आरसी ने की और इसके मुख्य अतिथि लाडवा के विधायक डॉक्टर पवन सैनी थे। यह समारोह हर साल मनाया जाता है, जिसमें सामाजिक बुराइयों के ऊपर पत्रकारिता के ऊपर चर्चा होती है। इस समारोह में अनेक पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि डॉक्टर पवन सैनी ने पत्रकारों को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस समारोह में उन्हें बुलाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने सामाजिक बुराइयों व उनसे कैसे दूर किया जाए के बारे में बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन आरती ने सभी पत्रकारों व मुख्य अतिथि को धन्यवाद किया कि उन्होंने इस समारोह में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। दिवाली का त्यौहार होने के कारण सभी पत्रकारों को गिफ्ट दिए। इस समारोह में दोपहर को भोजन की व्यवस्था भी थी। इस समारोह का आयोजन करने के लिए पत्रकारों ने श्री पवन आरसी को धन्यवाद दिया व कहा कि इसे आगे भी जारी रखा जाए। ये तो एक बार भगवान श्री राम ने वापसी की घर पर अयोध्या में दिए जलाए, वहीं तक समाप्ति होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसको लगातार एक जीवन के साथ जोड़ने का काम किया कि हर वर्ष ही मनाएंगे और इसलिए मनाएंगे, हम संकल्पित भी होंगे, संकल्प भी मिलेंगे और हम अंधेरा अपने जीवन में कहीं भी उसको रहने नहीं देंगे। इस वजह से हर वर्ष हम लोगों ने मनाने का हमारे ये रिवाज, ये रीति हमारे बुजुर्गों ने बनाने का काम किया। उसी कड़ी में हम लोग से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और मुझे लगता है ऐसे अवसरों पर अपने को संकल्प जरूर लेना चाहिए, ये केवल अंधेरे से प्रकाश की ओर नहीं, ये हम कह सकते हैं मेरे जीवन के अंदर भी इसी प्रकार की कोई बुराई है, उस बुराई को भी अपने को दूर करना चाहिए। और ये केवल ये नहीं कि भी दिवाली के दीप जला लिया कि इतने सफिशेंट है, मान ली चाहे कोई स्वच्छता को लेकर ली, स्वच्छता केवल ये नहीं भी गली में झाड़ू मार दिया वही स्वच्छता है, स्वच्छता रिश्तों के अंदर, स्वच्छता जो है अपने संबंधों के अंदर, इसलिए इसको हम अंधेरे के रूप में भी कह सकते हैं। जो अंधेरा, जो अंधकार अपने पारिवारिक रिश्तों में, हमारे अंधकार कोई अपने इस पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर साथी काम करते हैं उसके अंदर भी अपने को उजाला लाने की आवश्यकता है समाज के अंदर। वैसे तो मैं सोच रहा था भी दीपों का त्योहार है और शायद दीप प्रज्वलन तो होगा, यहाँ दीप जलाना चाहिए वैसे यहाँ।